प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू की तरह हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बिच्छू ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये काम इस बार ट्विटर बाजो या सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाने वालों का नहीं है। ये बयान लोकसभा सांसद और कांग्रेस के नेता शशि थरूर का है। नमस्कार, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी। रविवार 28 अक्टूबर को शशि थरूर बेंगलोर के एक साहित्य कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ पर वो अपनी नई किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे। बातों बातों में उनकी बात जाकर पीएम नरेंद्र मोदी पर अटक गई और उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे ना तो आप हाथ से मारकर हटा सकते हैं और ना ही चप्पल से मारकर गिरा सकते हैं। There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of the Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand and you cannot hit it with a chappal either. शशि थरूर के इस बयान देने के बाद ही ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की ऐसे खुलेआम आलोचना की गई हो। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन अब लोग इस अधिकार को लांघ कर पीएम मोदी को खुलेआम गाली गलौज दे रहे हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे विवादित बयान दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने पीएम मोदी को चोर कह के पुकारा है। हालांकि बाद में उन्होंने उसके आगे चौकीदार चोर भी लगा दिया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का वो पूरा बयान। देश का चौकीदार चोर है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है कांग्रेस नेता संजय निरूपम का, जिन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को अनपढ़ गवार तक कह दिया था। मोदी जी के ऊपर कोई फिल्म बनी है और दिखाने की जबरदस्ती की जा रही है, ये सरासर गलत है। हमारे बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है। चोर अनपढ़ गवार ही नहीं, पीएम मोदी को तो कोट अनकोट खुलेआम गालियां भी दी गई हैं। आइए सुनाते हैं आपको गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी का पूरा बयान। यूपी और बिहार के मजदूरों को गुजरात में मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उनके साथ बदतमीजी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक लाइन में यह अपील करने को तैयार नहीं कि हे गुजरातियों, यूपी और बिहार के भाई बहनों के साथ ये बदतमीजी बंद करिए। एक शब्द कहने को तैयार नहीं है, इसीलिए इस को पहचान लीजिए। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष शंकर अय्यर, जिन्होंने अपने 2017 के संबोधन में पीएम मोदी को नीच आदमी कहकर पुकारा था। अंबेडकर जी के के, के के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। हमेशा से बीजेपी विरोधी रही आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला ने भी खुलेआम कई बार पीएम मोदी के लिए अपशब्द के इस्तेमाल किए हैं। आइए सुनते हैं उनका एक बयान। इतने अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार खैर ये तो राजनीति है, और राजनीति में इस तरह के बयान और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो जैसे अब आम बात हो गई है। और जैसे जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, आपको इस तरह के कई बयान सुनने को और देखने को मिलते रहेंगे। इस तरह की मज़ेदार खबरों के लिए आप बने रहें लोकमत न्यूज़ हिंदी के साथ।